भी नहीं बना, शहीद स्मारक भी नहीं बना, और नौकरी का सवाल था वो भी नहीं हुआ, और आवास का बात था वो भी नहीं। तो वहाँ जो है लखनऊ से जो कोई अधिकारी फोन किया था कि आप लोगों को पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, हम जो है इलाहाबाद थे तो उसमें आए, इसके बाद जो है लाभ नहीं मिला हम लोग। आप मुख्यमंत्री साहब से मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं? कुछ नहीं लाभ मिला। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के बाद उमेश पाल जब गवाही देने पहुंच रहा था, और जो मुख्य गवाह उमेश पाल ही था, उसकी सुरक्षा में लगे संदीप निषाद, उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल, उस दौरान गोलीबारी हुई और अतीक अहमद के ऊपर आरोप जाता है कि उसके गुर्गे ने मारने की कोशिश की, और उसी दौरान कांस्टेबल संदीप निषाद भी शहीद हो गए। आज हम उनके घर आए हैं, सरकारें, लोग, सहानुभूतियाँ सबकी रहीं शहीद होने के बाद, परिवार की कई मांगे थी, सब ने सहानुभूति जताई, और परिवार का जो परिवार की मांग थी कि नौकरी दी जाए, और भी परिवार की मांगे थी, और जिस तरीके से अब हालात आप देख रहे हैं घर का, कोई पूछने तक नहीं आया है। चुनाव चल रहा है और चुनाव में नेता किसी भी पार्टी के हों बड़े बड़े दावे करते हैं, और इस समय जो सत्ता में पार्टी बैठी है और बताती है कि गरीबों की हम मदद करते हैं, और उस गरीब की मदद नहीं हो रही है जो सरकार की सेवा करते हुए शहीद हो गया। संदीप के पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति अभी घर की है। चचा, जब से शहीद हुए घर पे सब आए उसके एक दिन दो दिन बाद, तब से कोई आया अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं है जून महीने से जी, अभी तक कोई नहीं है। अब घर का हालत तो गड़बड़ा है, दो नौकरी और आवास, शहीद स्मारक रोड के लिए मांग थी, कोई काम नहीं होगा। आपने सरकार से दो नौकरी की मांग की थी, तो ये अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है? कुछ नहीं, कोई मांग पूरी हुई नहीं, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। रोड भी नहीं बना, शहीद स्मारक भी नहीं बना, और नौकरी का सवाल था वो भी नहीं हुआ, और आवास का बात था वो भी नहीं हुआ। ब्लॉक पे जाने के बाद वीडियो बोलते हैं कि आपके पास आवास, हम तो एक चाचा घर में रहते हैं। वीडियो साहब जब आप जाते हैं ब्लॉक पे तो बोलते हैं कि आपके पास आवास है, आवास इसीलिए नहीं दे रहे हैं? हाँ, वीडियो साहब ब्लॉक पे जाने के बाद वीडियो साहब यही कहे कि मतलब आपके पास आवास है। मैं उनसे यही बोला कि मैं चाचा जी के घर में रहता हूँ, मेरा कच्चा मकान वो गिर रहा। शहीद के पिताजी हैं और वीडियो साहब बोल रहे हैं कि आपके पास आवास है इसलिए आवास नहीं मिल रहा है। कितना अजीब बात है ना, सरकारें दावा कर रही हैं कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं और संदीप के पिताजी की मदद नहीं हो रही है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो इतना शेयर करिए, कम से कम ये मुख्यमंत्री साहब के पास जाए और मुख्यमंत्री जी इस बारे में संज्ञान जरूर लें। चाचा, जब से अब उनकी पत्नी भी हैं आप लोगों के साथ की नहीं? नहीं, वो 20 मार्च को चली गई, तब से कोई हाल खबर? कोई खबर नहीं, ना फोन तोन सब बंद, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, न फोन करती है न तो हम लोग फोन करता है। 13-14 महीना गुजर गया। और कुछ राहत के लिए कुछ सरकार ने पैसा या कुछ दिया था कि नहीं आप लोगों को? वही क्रियाक्रम के लिए दिया था। हाँ, उसके बाद कोई समाचार भी नहीं लिया और न कोई खबर। नेता होता कोई, अब चुनाव चल रहा है, कोई आया था नेता होता कोई? अभी कोई नेता नहीं आया, चुनाव के बारे में कोई यहाँ तक नहीं है। अच्छा, ये जो आपकी क्षतिपूर्ति हुई उसे तो आप पूरा जीवन जब तक आप रहेंगे दुख होगा, और ये तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से आपने मांग की सरकार से, क्या अभी आप चाहते हैं कि चुनाव चल रहा है, नेता अगर आ रहा है कोई, खासकर बीजेपी का, क्योंकि सत्ता में बीजेपी पार्टी है, तो क्या आप मांग रखेंगे अभी फिर से? आप जिस तरीके से मांग वही करेगा, दो नौकरी, शहीद स्मारक, आवास, रोड का, यही मांग थी। कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी का या बड़े अधिकारियों का कभी भी लखनऊ से या कहीं से फ़ोन आया? लखनऊ से फ़ोन आया था अक्टूबर में, हम लोग को बुलाया गया जी। हम लोग वहाँ गया परिवार सहित,
हम लोग को कहीं दूसरी जगह रख दिया गया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो 12 बजे हम लोग को पुलिस गाड़ी लेके गई, उस स्थान पर छोड़ के चली गई। कहाँ पे आप लोग गए थे? लखनऊ। तो वहाँ से हम लोग भाड़े की गाड़ी करके घर आया। यहाँ से आप लोग को लेके गई पुलिस? पुलिस नहीं ले गई, हम लोग भाड़े की गाड़ी ले गए थे। और फिर भाड़े की गाड़ी से ही आए? हाँ, कोई खबर नहीं दिया। प्रोग्राम खत्म हुआ इसके बाद पुलिस गाड़ी लेके गई और वहाँ छोड़ के चली गई। प्रोग्राम क्या था? बुलाया गया था हम लोग को, बस पता आपको नहीं चला कि क्यों बुलाया गया है? हाँ, किस कारण से बुलाया गया, क्या कैसे, कुछ भी नहीं पता? कुछ नहीं पता था। कितने लोग आप लोग गए थे? पूरा परिवार गया था, फैमिली पूरी गई थी। अब सत्ता में जो हैं उन्हीं से प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है या कैसा क्यों हो रहा है, कहाँ पे चूक हो रही है, क्योंकि ये असहाय परिवार जिसका बेटा शहीद हुआ और अब वो परिवार, स्थिति आप देख सकते हैं परिवार की, जिस तरीके से परिवार ने मांग की, दो नौकरी की, कोई एक भी मांग पूरी नहीं हुई अब तक। संदीप के बड़े भाई हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप निषाद है। अभी तक सरकार ने कोई मतलब आपकी डिमांड पूरी नहीं की है? जब घटना हुई तो जैसे माननीय डॉक्टर संजय निषाद भी आए थे, तो जैसे हम लोगों की मांग थी कि दो नौकरी, 1 करोड़ रुपया मुआवजा, रोड, शहीद स्मारक, शहीद गेट। तो डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि आप जो है ये मूर्ति की बात करें, हम स्टैचू लगवा देंगे। अभी तक जो है नहीं, ये सब मांगें पूरी हुई है। ये किसने कहा था? डॉक्टर संजय निषाद जी ने। हाँ, और हम लोगों को जैसे राहत वाला जो है 40-50 लाख रुपया, तो 40 लाख जो है संदीप की पत्नी खाते में गया और 10 लाख जो है पिताजी को मिला, यही हम लोगों को मिला 10 लाख। अन्यथा जो है सरकार की तरफ से कुछ पैसा नहीं मिला हम लोगों को। पिताजी के खाते में 10 लाख रुपए आए? 10 लाख। हाँ, 10 लाख। बाकी उनकी पत्नी खाते में चले गए? हाँ। और उनकी पत्नी भी अब घर छोड़ के चली गई? हाँ, घर छोड़ करके चली गई उनकी पत्नी भी। आप लोगों से बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं रखती हो हम लोगों से, मतलब हम लोग जब 21 अक्टूबर को बुलाया गया था तो वहाँ जो है लखनऊ से जो कोई अधिकारी फोन किया था कि आप लोगों को पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, हम जो है इलाहाबाद थे तो उसमें आए। इसके बाद जो है एक रिश्तेदार की गाड़ी लगभग 6,000 में जो है हम लोग भाड़ा करके गए, तो वहाँ जो है पुलिस लाइन में हम लोग जो वहाँ रहे, टंट घंट लग रहा था कि इसलिए बुलाया गया था कि जैसे सम्मानित किया जाएगा परिवार वालों को। लेकिन जो है शाम को जो है एक ये सभागार था लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी पर पुलिस विभाग का, वहाँ हम लोगों को रखा गया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस लाइन में छोड़ करके जो हम लोगों को चली गई। लोग प्रोग्राम में सम्मिलित थे? नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब तक प्रोग्राम चला, कब क्या हुआ। लगभग 12 बजे करीब में प्रोग्राम खत्म हो गया था, हम लोगों को दूर रखा गया वहाँ। दूर रखा गया था 8 किलोमीटर दूरी जहाँ प्रोग्राम था वहाँ से 8 किलोमीटर दूर। किसका प्रोग्राम था आप लोगों को? माने मुख्यमंत्री जगह जैसे कि परिवार वालों को जो सम्मानित किया जाएगा। हाँ, उसकी पत्नी को क्या दिए माने मुख्यमंत्री जी हम लोग? अच्छा, उनकी पत्नी थी वहाँ? हाँ, उनकी पत्नी की जो है वहाँ से लखनऊ से जो पुलिस वाली गाड़ी गई थी लिवा करके पहुँचाई भी माई की उन लोगों। लेकिन अभी आप लोगों के पिताजी, आपके पिताजी को कुछ भी मतलब? नहीं, हम लोगों के परिवार को जो है सरकार की तरफ से कुछ लाभ नहीं मिला है। तमाम जैसे नेता आए, आला अधिकारी आए, तो आला अधिकारी कहे भाई जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जो नेता बीजेपी के तमाम जो आए लोग, लेकिन कुछ सहयोग नहीं मिला हम लोगों को। वही प्रयागराज के करछना विधानसभा के पीयूष रंजन निषाद जी वही आए थे, तो 50,000 रुपया जो है दिए थे, और किसी नेता की तरफ से कुछ राहत नहीं मिली। समस्या जटिल है इस परिवार के लिए, अब ये परिवार करे तो क्या करे। संदीप की पत्नी थी, घर छोड़ के चली गई है, और जैसा भैया बता रहे हैं कि करीब 40 लाख उनके खाते में आए थे। हाँ, 40 लाख वो लेके चली गई हैं, और संदीप के पिताजी के खाते में केवल 10 लाख रुपए। शहीद की कीमत जो है इसका अंदाज़ा तो कोई भी नहीं लगा सकता, और इसकी कोई कीमत होती नहीं है। लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ सहारा चाहिए, और इस बुढ़ापे में चाचा को ये सहारा ज़रूर मिल जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी राहत दिखती नज़र नहीं आ रही है। अरे हम लोग जो है यहाँ
गोरखपुर भी गए थे, पूरा परिवार सहित गए थे योगी जी के पास। हाँ, योगी से जनता दरबार में जी जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जो स्वयं बात की, हमारी माता भी बात की कि सर जो है हम लोग दो नौकरी और जो है आवास रोड और 1 करोड़ रुपया मुआवजा की और शहीद स्मारक शहीद गेट। तो आला अधिकारी को बुलाए और हम जो लेटर लिखे थे वो बुलाए कि इस पर निर्णय ले लिया जाए। इसके बाद जो है 2-1 दिन के बाद जो है कुछ लखनऊ के अधिकारी थे या कुछ जो है प्रयागराज के यहाँ आए और परिवार की क्या स्थिति तो लिख के ले गए, लेकिन आज तक जो है कुछ पता नहीं लौटा नहीं। हाँ, कोई नहीं लौटा नहीं। आप लोग कभी मुख्यमंत्री योगी जी से मिले आप लोग? हाँ, वही तो गए थे हम लोग लखनऊ में मिले थे, लखनऊ नहीं यहाँ गोरखपुर, गोरखपुर जनता दरबार में। कुछ जो है लाभ नहीं मिला हम लोग, आप मुख्यमंत्री साहब से मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं? कुछ नहीं लाभ मिला हम लोगों को। ये एक बहुत ही जो कह सकते हैं मार्मिक स्थिति है इस परिवार की, और इस मर्म में हम इस परिवार के साथ हैं। आप भी अगर परिवार का सहयोग करना चाहते हैं और ऐसे जो शहीद हैं जो हमें सुरक्षा देते हैं उनको, आप उनके परिवार की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप डोनेट कर सकते हैं। भैया का अगर फोन पे आपका नंबर कोई हो तो आप ज़रूर बोल दीजिए, 7523987802। तो आप इस नंबर पर इन्हें आप हेल्प कर सकते हैं, भैया को डायरेक्ट इनके खाते में पैसा जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री जी इस बारे में संज्ञान लें।